हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आदिश्री, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बच्चों. Yeah. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. चैनल मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल. थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो. सो आज है हमारी लाइफ का सबसे 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 ज्यादा स्पेशल डे और आज है आदिशी का बर्थडे. और अभी जो है आदिशी को जैसा आपने देखा हमने गिफ्ट विफ्ट दे दिया है उसका. एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी बट क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी. बट हाँ फिर भी हमने जो भी मैनेज किया तो उसको उसके दो गिफ्ट फिलहाल में दे दिए हैं. और अभी आदिशी जा रही है स्कूल तो मैं अब उसका लंच रेडी करूंगी क्योंकि पहले रहता था वो 12 बजे आ जाती थी बट इस साल से पूरा लंबा स्कूल है उसका तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है अब क्योंकि वो 3:30 बजे आएगी तो उसको पूरा टिफिन विफिन दे के और सब कुछ करके भेज रही हूँ मैं. और आदिशी का बर्थडे हम दो तरीके से मनाने वाले हैं. आज उसका बर्थडे स्कूल में मनने वाला है और उसके बाद उसके कुछ फ्रेंड्स कुछ उसके क्लोज फ्रेंड्स के साथ हम अलग से भी मनाने वाले हैं. उसकी मैं आगे और अपडेट दूंगी. तो बेसिकली आज हमें उसके लिए स्कूल में रिटर्न गिफ्ट्स भेजने और साथ में पेस्ट्री भेजना है तो वो भी हमें पेस्ट्री भी लेने जाना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते थे कि फ्रेश मिल जाए पेस्ट्री और सब कुछ. तो यहाँ रखे हैं सारे गिफ्ट्स. हमने कल ही सारे रिटर्न गिफ्ट पैक कर लिए थे और सब कुछ. और आदिशी इतनी ज़्यादा खुश थी उसने पूरी एक एक चीज़ खुद अपने हाथ से बैग्स में रख के और सब कुछ तैयारी की है और बहुत एक्साइटेड है वो. उसका 5th बर्थडे और टाइम कहाँ चला गया मतलब पता तो ज़रूर चला. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी पता नहीं चला लेकिन एक अलग ही फील रहती है. एक अलग जो एक कहना चाहिए मतलब पता नहीं मुझे भी शायद उसके लिए एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ एक अलग फील तो होता है. और एज यूजुअल जब से हम यहाँ आए आदिशी के बर्थडे के दिन हमेशा बारिश होती है और ऐसा सीन होता है तो अभी भी ऐसा ही सीन है. और ऑटम स्टार्ट हो गया है तो ऑफकोर्स ये तो होना ही था. तो ठीक है आज आदिशी की फेवरेट चीज़ बना रही हूँ मैं इडली और उसे वेज इडली दूंगी और उसका टिफिन रेडी करती हूँ. और उसके बाद हम दोनों ही आदिशी को आज स्कूल छोड़ने जाएंगे और फिर दिन को ऑफकोर्स आगे बढ़ाएंगे. तो पहले मैं करती हूँ फिर मैं उसको रेडी करती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि आज हमारी प्रिंसेस कितनी सुंदर लग रही है. इसके साथ एक और बात यहाँ ही बटन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा. हर साल मैं आदिशी के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ क्योंकि यूट्यूबर मॉम होने का कोई तो फ़ायदा हो उसको. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भी आई बटन पे आपको दिख रहा होगा या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी उसे देख सकते हैं. इसके पहले वही वीडियो आया होगा. सो आज के दिन को शुरू करते हैं. आई एम सो 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 हैप्पी. लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके बूट्स भी दिखा दो भाई. वाओ आदिश्री आदिश्री तो एकदम डच गर्ल लग रही है ना. इधर उजाले में दिखा दो तो इधर यहाँ उजाले में आओ तो यहाँ पे आओ तो. हाँ और आपकी रिंग. वाओ हैप्पी बर्थडे. थैंक यू.
आदिशी को छोड़ा और हम उसे छोड़ने गए ना, तब इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और बस उसे छोड़ा वो अंदर गई और सब बारिश वारिश सब बंद हो गई। तो पर वही रहता है कि जब एकदम टाइम होता है ना तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। अभी हमने आदिशी को छोड़ दिया है स्कूल और उसके सारी जो भी ट्रीट्स मतलब जो भी गिफ्ट विफ्ट है वो सारे दे दिए हैं, लेकिन अभी हमें केक देना है तो अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने हेमा पे ऑर्डर किया था। स्कूल में ना टीचर बोलती है कि टीचर ना अगर केक कट करती है तो फिर बच्चे रोते हैं कि बड़ा पीस चाहिए छोटा पीस चाहिए और सब कुछ। तो मैंने हेमा पे प्रॉपर पेस्ट्रीज ही बुक कर दी थी, जितने बच्चे हैं उतने पीस, तो उससे क्या रहेगा थोड़ा सा टीचर के लिए भी इजी रहेगा और सब कुछ। और उसके ऊपर हमने आदिशी की पिक्चर्स खींच के और मतलब आई मीन पिक्चर्स अपलोड कर दी थी वेबसाइट पे, तो उन्होंने उस पर पिक्चर्स प्रिंट कर देंगे पेस्ट्री पे, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और शाम को फिर हम एज यूजुअल जैसे हम मम्मी पापा और सब लोगों के साथ केक काटते हैं वैसे ही करेंगे। तो वो वाला केक भी लेके आना है और इस घर को कमरे को डेकोरेट करना है उसके आने के पहले। तो यही अभी आज बहुत सारे काम है। ओके, सो मैंने केक ले लिया और अब मैं नीचे पार्किंग में जा रही हूँ। हम आए बस से थे बट आशीष ने कार बुक कर ली रेंट पे। आई थिंक इंस्टाग्राम में आप देख चुके होंगे आशीष का लाइसेंस एक्चुअली आ गया है। तो आजकल हम जो हैं वो ऐसा कुछ रहता है अगर बारिश वारिश रहती है कुछ तो हम कार रेंट पे ले लेते हैं और फिर उसी से घूमते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है फ़िलहाल हमारे साथ में। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आशीष का वेट कर रही हूँ और वेलकम इन नेदरलैंड वेदर, क्योंकि काफ़ी मौसम ख़राब है, बहुत ठंड लग रही है एकदम से। ओके, उस आशीष को देखती हूँ। सो हम हैं कार में और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और आई थिंक जब से आशीष का लाइसेंस आया है ये थोड़ा सा इजी हो गया है हमारे लिए। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बात करूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस तरह रेंटेड कार का। और ये रही आदिशी की पेस्ट्री और शाम का केक, और जैसा मैंने कहा मैंने हेमा से बनवाया था और बहुत अच्छा बना था। तो अभी हम स्कूल में केक देने जा रहे हैं, उसके बाद हम आदिशी की शॉपिंग की हम लोगों ने, क्योंकि फिर आदिशी साथ में रहती तो पॉसिबल नहीं हो पाता नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें उसकी सेकेंड पार्टी जो थी जो हम अलग से कर रहे थे उसकी तैयारी करनी थी। सो वो सब कुछ करके हम आ गए घर और आदिशी को लेने जाने में थोड़ा सा टाइम था। तो यहाँ हम दोनों मिलके थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं और आपको ये बैकड्रॉप के बारे में पहले से पता ही है, और नहीं पता है तो आप व्लॉग में लास्ट व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। तो ये ना मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अब कुछ भी रहता है तो बैकड्रॉप एकदम ईजीली रेडी हो जाता है क्योंकि ये फ्रेम मेरे पास है। तो यहाँ मैं और आशीष ऐसे ही छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं। ये वाली तैयारी से हम 100% खुश नहीं थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गायब थी जो कि हम नहीं ले पाए जैसे हम चाहते थे, हमें नहीं मिल पाई टाइम पे एकदम, लेकिन हाँ हो गया। तो बस यहाँ मैं साथ साथ में हम लोगों के लिए खाना वाना भी थोड़ा सा गरम वरम करते जा रही हूँ। हम दोनों बातें भी कर रहे हैं कि और क्या क्या करना है, क्या क्या प्लानिंग्स हैं और सब कुछ, और साथ साथ में तैयारी भी हो रही है। तो इस तरह से हमने सारा सेट कर दिया, बैकड्रॉप में ही सारी चीज़ें लगा दी। आदिशी को यूनिकॉर्न वाला पार्टी चाहिए था तो हमने सोचा ठीक है हम यूनिकॉर्न थीम की पार्टी करते हैं। तो हमें यूनिकॉर्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मिली पिंक एंड ब्लू एंड गोल्डन में हमने सब कुछ रेडी कर ली। और मेरे हिसाब से आप डेली स्टाइल पर ट्राई कर सकते हो, हेमा में ट्राई कर सकते हो और साथ में जेनोस पर ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा पार्टी डेकोरेशन मिल जाता है, सोलो में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह से नेदरलैंड में शॉपिंग इजीली हो जाती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की। और यहाँ मैं उसका केक रेडी कर रही हूँ, तो मैंने हेमा से ही एक बेसिक केक बनवाया था पिंक कलर का,
और फिर उसके ऊपर मैंने सारी यूनिकॉर्न वाली कैंडल्स और सब लगा के रेडी कर दिया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट मैं चाहती थी कि सिंपल से सिंपल और डिसेंट से डिसेंट दिखे केक। बहुत कुछ ऐसा मुझे तामझाम वाला केक नहीं चाहिए था आदिशी के लिए, क्योंकि वो फिर बहुत मतलब पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा थोड़ा सा डिसेंट ही चाहिए था। तो ये कैंडल्स और सबके साथ बहुत ही डिसेंट और बहुत अच्छा केक बन के रेडी हो गया। तो ये भी मैंने हेमा से ही सारी शॉपिंग की थी। तो ये हो गया केक रेडी, और अब चलते हैं आदिशी को लेने के लिए। और आदिशी की बातें सुन रहे हैं हम यहाँ, लेने क्या जाते हैं, वही गई है बाहर और अब हम घर जा रहे हैं। और वो हमें बता रही है कि स्कूल में उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ क्या क्या बातें की और उन्हें रिटर्न गिफ्ट कैसे लगे, स्कूल में क्या क्या हुआ। उनका भी एक पर्सनल क्लास में उसकी टीचर ने सेलिब्रेशन किया था पेस्ट्री और सारी गुडीज़ के साथ। तो बस वही सब वो यहाँ शेयर कर रही है हमसे और हमें सब बता रही है। और वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने उसकी वाली वॉइस नहीं ली, क्योंकि बहुत कट रही थी। There is a surprise. Some decoration for you. Some decoration. That's not complete, but yeah. What? Everything is like unicorn, right? Yeah. Big balloon. हाँ अभी पटना की या एंड हियर इज भाई सरप्राइज फॉर आदिश्री। आप केक कट करते टाइम लगा लेना, ठीक है? यस यस देयर इज अ मोर प्रेजेंट्स। हे एवरीवन, सो पीछे पूरी तैयारी हो गई है और मतलब आज का दिन इतनी जल्दी जल्दी निकला ना, ऐसा लग रहा था कि अरे मतलब क्या ही एकदम टाइम एकदम फटाफट निकल गया। बट आज आधा दिन तो आदिशी का स्कूल में ही निकल गया, तो हमारे साथ रही नहीं वो। लेकिन हम मार्केट गए थे और हमने बहुत सारे काम निपटा लिए। परसों जो पार्टी होगी उसके लिए रिटर्न गिफ्ट और वॉट नॉट बहुत कुछ कर लिया हमने। और यहाँ हमारी आज की यूनिकॉर्न थीम पार्टी की बर्थडे गर्ल है। यूनिकॉर्न रेडी हो गया है। हमने तो पहले से पिक कर लिया केक का। यस।